जून 1957 एक खबर आती है कि LIC ने 1.24 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं और हर कोई दलाल स्ट्रीट और स्टॉक मार्केट में हिल के रह गया। आखिर सवाल ये उठता है कि 1957 में 1.24 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट LIC ने किन कंपनी में कर दिया भाई, और ऐसी कौन सी बात आ गई, बिकॉज उस समय पर यह वैल्यू बहुत बड़ी होती थी। मज़ेदार बात है, ये छः की छः कंपनी बिलोंग करती थी कैलकटा के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को जिसका नाम था हरिदास मुंद्रा। 1957 में तब तक की गई LIC की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और मज़े की बात है कि इस इन्वेस्टमेंट के बारे में LIC के इन्वेस्टमेंट बोर्ड तक को कानों कान खबर नहीं थी, बिना उनके अप्रूवल की इन्वेस्टमेंट हो गई थी। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये सारी इन्वेस्टमेंट 6 कंपनीज में की गई थी, और हैरान करने वाली बात है ये सारी की सारी 6 की 6 कंपनीज थी फेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिपेंडेंस के बाद हुए गए सबसे बड़े हिला देने वाले स्टॉक मार्केट रिलेटेड घोटाले के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे मुंद्रा घोटाले। हैरान मत होइएगा अगर हमारे इस वीडियो के बाद आपको इसी वीडियो के काफ़ी सारी कॉपीज वेल मार्केटेड वे में मिले, बिकॉज अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में, वेन एवर वी कम अप विद सच काइंड ऑफ टॉपिक्स काफ़ी जल्दी कॉपी हो जाते हैं, बट दैट्स फाइन, गॉड ब्लेस एवरीवन। तो चलिए चीज़ बर्गर खा के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो जरूर बताइएगा। कंपाउंडिंग समझने के लिए चाहिए या फिर ब्लैक रॉक, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब हम अगर बात करते हैं इस कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है इवन 1930s के आसपास, जब एक छोटे बिजनेसमैन के घर पर पैदा होते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हरिदास मुंद्रा। शुरुआत एकदम सीधी सादी होती है जहां ये बल्ब बेचना शुरू करते हैं, जो बल्ब होता है वो बेचना शुरू करते हैं, लेकिन पैसे की लत और पैसे कमाने का जो शौक और जज्बा इनको चढ़ा रहता है वो उनको बहुत ही खींचता रहता है। ये माया नगरी पहुंच जाते हैं मुंबई अराउंड 1950s, जहां इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है उस समय के दलाल स्ट्रीट या फिर शेयर बाजार। यहां पर वो देखते हैं किस प्रकार लोग कुछ लाखों कुछ हजारों से कितने करोड़ों रुपए बनाते हैं, और इसलिए ये खुद वहां पर जॉबर बनने चले जाते हैं, एज अ ट्रेडर काम करने लग जाते हैं। करते करते इनका काम इतना अच्छा चलता है कि ये धीरे धीरे करके शेयर रिगिंग करने लग जाते हैं, कुछ शेयर्स के ऑपरेटर बन जाते हैं और ये एक्सपर्ट बन जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग। अगर आप लोगों को जानना है सर्कुलर ट्रेडिंग कैसे होता है तो हमने केतन पारेख वाली सीरीज में, स्कैम सीरीज में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हरिदास जी केवल मैन्युपुलेट ही नहीं कर रहे थे, शेयर रिगिंग भी कर रहे थे और फेक शेयर्स भी फ्लोट कर रहे थे, बिकॉज ये वो समय था जब फिजिकल शेयर्स का टाइम होता था, डीमैट डिजिटल टाइप का, इस तरह की चीज़ें तब नहीं होती थी, जिससे वो सबको मामू बनाते रहते थे फेक शेयर्स के फ्लोटिंग से। अब जान के आप हैरान हो जाओगे कि यही सब करते करते 1957 में, जी हाँ 1957 में इन्होंने कमा लिए थे 4 करोड़ रुपीस, और उस समय का 4 करोड़ के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि आप और मैं एक्चुअल में कितने ज्यादा गरीब हैं। सो आगे चलकर इनकी नजर जाती है 6 हॉट शेयर्स पे, कुछ अजीब से नाम थे इनके, एंजेलो ब्रदर्स, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, इस तरह के कुछ नाम थे जहां पर इनकी नजर जाती है। अब इनको एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई भारत में अगर आगे बढ़ना है, इंडिया में आगे बढ़ना है, तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट, बिना पॉलिटिक्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। सो अब इन्होंने क्या किया, खुद की कंपनीज में जो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भयंकर घाटे में थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, बट स्टिल वो दलाल स्ट्रीट में शेयर्स की इनकी रिगिंग करते थे। अब इनको पता था कि सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए इनको बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, और बड़ा इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल साइज का और कौन कर सकता है LIC के अलावा, और यहीं पर उनने LIC को अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। इन्होंने पॉलिटिक्स का सहारा लिया और LIC को प्रेशराइज किया कि भाई मेरे ये जो 5-6 शेयर्स है उनको आप खरीदो। इसका उल्लेख बाद में सुचिता दलाल जी ने भी एक किताब में किया था, भगवान जाने ये LIC और सुचिता दलाल जी ऑलमोस्ट हर स्कैम में कैसे पहुंच जाते, बट एनीवेज, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इस स्कैम की शुरुआत हो गई। बाय द वे गाइस, अगर आपको नेक्स्ट स्कैम रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हम इस वीडियो पे टारगेट करेंगे 15,000 लाइक्स, जितने जल्दी आ जाएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट स्कैम का वीडियो आ जाएगा। तो ट्विस्ट इस कहानी में ये आता है कि डूबती हुई कंपनीज में आखिर पैसे क्यों लगाए गए, ये सवाल
उठाया और ये सवाल उठते उठते उठाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में रायबरेली की सीट से हाथ जमाने वाले पार्लियामेंट में बैठे हुए मिस्टर फिरोज गांधी जी ने। हाँ हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है। अच्छा नहीं सुना तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फिरोज गांधी जी जो उस समय पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दामाद थे, सन इन लॉ थे। जी हाँ, फिरोज जी ने शादी करी थी इंदिरा गांधी जी से। उन्होंने LIC के डिसीजंस पे सवाल उठाया कि भाई आप किस बलबूते पे इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, पहली बात तो आपने इन्वेस्टमेंट कमेटी से भी ये नहीं करी थी, आप कैसे कर सकते हो, इंडिया वॉन्ट्स टू नो, अत्ता माजी सटकली, इस तरह से उनने सवाल उठाया, जिसके कारण उस समय बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। रीज़न ये था कि ठीक एक साल पहले इंडिया में उसी समय जो सबसे रिचेस्ट आदमी थे, इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी थे मिस्टर डालमिया, उनको एक फ्रॉड के तहत अरेस्ट किया गया था, बिकॉज उन्होंने अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी बना के फ्रॉड किया गया था। इसी झोल के कारण लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19th जून 1956 को आया था, जिसके कारण 245 कंपनीज को LIC के अंदर डाला गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाया गया था। तो उस समय की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई गवर्नमेंट में और कोई भी सवाल उठे, बिकॉज जस्ट एक साल पहले इतने सारे सवाल उठे थे और घोटाला टाइप का कुछ भी ना लगे। तो नेहरू जी चाहते थे कि शांति से ये मसला हल हो जाए, अपन हल्ले हल्ले से कर लेंगे। बट 16th दिसंबर 1957 के दिन पार्लियामेंट में फिरोज जी ने डिबेट छेड़ दी और यहीं से शुरुआत हो गई थी इस डिबेट की, जो पलटा बाद में LIC मुंद्रा स्कैंडल के नाम से इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। जब डिबेट पार्लियामेंट में शुरू हुई तो एक कांग्रेस मेंबर ने पलट के जवाब दिया, उनको सवाल पूछा कि भाई आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे इतना ज्यादा आप बिलीव कर रहे हो उसके एलिगेशन पे। तो जिस पे फिरोज जी ने बोला, बेटा शांत हो जाओ, मेरे पास ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर TTK कृष्ण कर्मचारी, कुछ इस तरह सा नाम था, सो सॉरी इफ आई स्पेल्ड इट रॉन्ग, उन्होंने फोर्स किया था LIC को ये इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये बात होते ही एकाएक सन्नाटा हो गया पार्लियामेंट में और लोग डर गए कि भाई इनके पास कुछ तो है, फंस सकते हैं। पूरा पार्लियामेंट एकदम शांत। नेहरू जी बिलीव नहीं करना चाहते थे कि उन्हीं के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही है, बट फिरोज जी ने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नुमाइना इधर कर दिया था तो मुश्किल था मना करना, और इसलिए मजबूरन उनने MC चागला को इस कमीशन का वो बनाया कि भाई आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। अब यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप हैरान हो जाओगे इंडिया में इतनी स्पीड में काम होता है। मिस्टर चागला ने ओनली 24 दिन में ये पूरी इंक्वायरी ख़त्म कर दी और यहाँ से प्रूव हो गया था कि फिरोज गांधी जी गलत नहीं बोल रहे थे, ही वॉज राइट दैट फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व थे। फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा और मुंद्रा जी को 22 साल की जेल की सज़ा हुई, 2018 में उनकी डेथ हो गई। इसमें पूरे 55 लाख LIC के जो शेयर होल्ड इंश्योरेंस जिन लोगों ने करवाया था उन लोगों का भी पैसा इसमें लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत था। जब मुंद्रा जी को अरेस्ट करने गए तो दिल्ली के एक आलिशान होटल में बैठ के ये कबाब खा रहे थे। बाद में पता चला इनने तो इनकम टैक्स घोटाले भी किए थे। एंड इस तरह की ही चीज़ें यूजुअली हमको स्कैम में देखने आती है। बाय द वे, ये पूरा स्कैम सीरीज अपने चैनल के प्लेलिस्ट में कवर्ड है। तो दोस्तों, ये कहानी जिसमें मुंद्रा स्कैम के बारे में हमने बताया, ये एक चीज़ बताती है कि इंडिया में जितने भी स्कैम वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो सकते हैं, बिना अपर हैंड की ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और आप लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि जब हम कहते हैं कि हर्षद मेहता वॉज द बिगेस्ट स्कैमर या फिर केतन पारेख वॉज द बिगेस्ट स्कैमर, बिकॉज इससे पहले भी बड़े बड़े हो गए और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा स्कैम्स क्यों होते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वी आर टारगेटिंग 15,000 लाइक्स। जैसे ही 15,000 लाइक्स आ जाते हैं, नेक्स्ट स्कैम रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।